नमस्कार, गुजरात की चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मतदान हो चुका है, अब गुजरात में चुनावी माहौल और गर्माएगा क्योंकि अब सभी नेताओं का ध्यान गुजरात पर ही केंद्रित हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है, वहीं भाजपा अपने गढ़ को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आइए जानते हैं कि आखिर गुजरात के सियासी रण क्षेत्र में क्या जोर आजमाइश चल रही है। ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इन दिनों इसी अंदाज में बातें कर रहे हैं और लगातार फ्रंट फुट पर ही खेल रहे हैं। पिछले दिनों जब रसोई गैस महंगी हुई तो राहुल ने कुछ इसी तरह विरोध किया था, महंगी गैस, महंगा राशन, बंद करो खोखला भाषण, दाम बांधो, काम दो, वरना खाली करो सिंहासन। इसी बीच विजय रूपाणी की कंपनी पर भी जुर्माने का मामला सामने आ गया। राहुल ने लगे हाथ फिर ट्वीट कर दिया, खाऊंगा न खाने दूंगा की कहानी, शाहजादा, शौर्य और अब विजय रूपाणी। राहुल के आक्रामक तेवरों को देखकर लगता है कि वे इस बार कुछ कर गुजरने के लिए आतुर हैं, मगर जीत का फैसला तो असली खिलाड़ी मतदाता ही करेगा। वही बताएगा कि राहुल गुजरात के रण के रणवीर साबित होंगे या रण छोड़। कांग्रेस चुनावी रण में जात पात का दांव भी खेल रही है, उसने पाटीदारों को आरक्षण का लॉलीपॉप भी दिया है, लेकिन चुनाव में यह उसके लिए ही मुसीबत का कारण बन सकता है। भले ही उसने हार्दिक को 3 विकल्प दिए हों, पर संविधान के बाहर जाकर वह किसी भी सूरत में पाटीदारों को आरक्षण नहीं दे सकती। ओबीसी के 27% कोटे में पाटीदारों को आरक्षण की बात करती है तो राज्य में 40% ओबीसी वोटर उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएंगे। अब ऐसे में हार्दिक पटेल की मानते हैं तो ओबीसी एकता मंच के नेता अल्पेश ठाकुर नाराज हो जाएंगे। 22 वर्षों से गुजरात की सत्ता के लिए छटपटा रही कांग्रेस के लिए यह सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है। कांग्रेस के लगातार हमलों से इस बार भाजपा के दमदार दुर्ग गुजरात में हलचल तो मची हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि असली किलेदार नरेंद्र मोदी दिल्ली में किला लड़ा रहे हैं। दूसरी ओर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर जैसे युवा नेताओं की मौजूदगी ने भी भगवा खेमे को परेशानी में डाल रखा है। हालांकि भाजपा के इस गढ़ को ध्वस्त करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में सफलता के कदम चूमने वाले सेनापति अमित शाह ने भी पूरी ताकत गुजरात में झोंक दी है। साथ ही पार्टी के दलित और ओबीसी सांसद विधायकों ने भी राज्य में मोर्चा संभाल लिया है। यह देखना कम रोचक नहीं होगा कि अमित शाह के चक्रव्यूह को कांग्रेसी युवराज भेद पाते हैं या एक बार फिर राजनीतिक वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाटीदार धनबल और संख्या बल के हिसाब से गुजरात की राजनीति में खासी अहमियत रखते हैं। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उनकी आरती उतारने में लगे हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, राज्य की करीब 44 सीटों पर पाटीदार मतदाता निर्णायक स्थिति में है। एक ओर भाजपा के पास पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल जैसे पाटीदार नेता हैं, तो कांग्रेस हार्दिक पटेल पर लगातार डोरे डाल रही है और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अब पाटीदार वोटों का प्रसाद किसको मिलेगा, इसके लिए तो हमें 18 दिसंबर तक इंतजार करना ही होगा। पाटीदारों की ओर से भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। कहा जा रहा है कि पाटीदार इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए धारा 144 लगा दी गई है। राज्य के कई पाटीदार इलाकों में बैनर भी लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि भाजपा वाले यहां वोट मांगने ना आए। भाजपा कार्यकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि उन पर अंडे भी फेंके गए। पाटीदारों की इस कार्रवाई को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के वक्त सरकार द्वारा पाटीदार इलाकों में धारा 144 लगाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस घटना के बाद भाजपा खेमे में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मतदान के दिन भाजपा की टेबलों पर यदि धारा 144 नजर आई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यह थी गुजरात के चुनावों पर हमारी खास प्रस्तुति। अगली बार फिर नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते और देखते रहिए वेब दुनिया। नमस्कार।